रही है, पर झुग्गी बनाने से 5 साल हो गए। जब से हम लोग झुग्गी टूटा जमुना बाजार से, तब हम लोग यहीं आए हैं और ये 5 साल से झुग्गी बनाते हैं। तो हमारी अभी झुग्गी नहीं मिला, ये तो बोल नहीं सकते, तो ऊपर वाले जानते झुग्गी मिले या ना मिले, ये तो बोल नहीं सकते। हमारी राशन कार्ड नहीं है। और एक बात है कि हमारी जो दुख मुसीबत होता है, रेशन का पहचान पत्री बनाने जाते हैं, बोलते हैं पहचान पत्री लेकर आओ, पोलोट नंबर लेकर आओ, तो हमारी नहीं तो हम लोग किसकी मांगने जाओ, किसकी मांगने जाओ? वो देने के लिए मजदूर नहीं बोलता, बोलते कि देखो हमारी पोलोट नंबर है 1002 2002, रेशन कार्ड बनाने के लिए बोलते, वो बोलते कि 5002 रेशन कार्ड बना के देंगे। हम तो मांगने खाने वाला, हम रेशन कार्ड कहाँ बना सकते हैं? देखो हम फुटपाथ में है, आपकी मुकद्दर में हो तो हमारे पीछे लड़ो, इतनी बात हम बस बता सकती हूँ। और हमारी भाई मियाँ है, कमाने लायक नहीं है, बेरोजगार है, हम जाती हूँ मांगने के लिए, 4-4 बच्चा पालती हूँ और हमारी बच्चा को देखभाल हम खुद करती हूँ। और इसी मतलब से मैं अपना बाल बच्चा के लिए कुछ भी काम कर सकती हूँ, मांगो कहे कि आरो कुछ कपड़ा धोवा करे, सब कुछ हम कर सकती हूँ मेरा अपना बच्चा के सुखी के लिए, इतनी मैं बोल सकती हूँ। और मैं दुनियादारी और कुछ नहीं जानती। एक बात है, जब हम लोग जमुना पुस्ता से आया हुआ है तो उसकी बात तो तकलीफ तो करने ही पड़ता है इंसान को, अपनी अपनी घर से भी तकलीफ करने पड़ता, तो वो तो पहले बार आया तो तकलीफ करने ही पड़ता, वो तो पहले बार आया तकलीफ करने पड़ता। तकलीफ ये कर कि हम लोग जमुना से आया, वहाँ तो पटरी पर रहा, इतनी जानते कि ये अलग ही जगह था कि कोई समझदारी नहीं था, तो परेशान बर्दाश्त करने पड़ा। और अभी तो थोड़ी बहुत समझ समय सही है। देखो हम अपना परेशान की बता रही हूँ, मैं तो परेशान बहुत झेल रही हूँ, इससे परेशान कोई लेडीज नहीं झेल सकता, क्योंकि मेरा मियाँ नहीं कमाता, मैं खुद कमाने आती हूँ, टेंशन रहती हूँ, बाहर से आती हूँ, फिर घर में करो, फिर बाल बच्चे संभालो, तो टेंशन ही टेंशन रहता। मेरे मियाँ जैती सही सलामत जैती मुझे 2 रोटी कमा के खिलाता, तो मैं कुछ हाँ तो फिकर कम हो जाता। मियाँ क्यों नहीं कमाता? इससे तो वह बीमार है, उससे थोली में पानी भर जाता, मैंने कि 250 रुपये सुई लगता, अब उसकी सुई जमा करूँ ना मैं अपना पेट चलाऊँ, इस चक्कर में मुझे बहुत परेशान है। वो भी बीमार है 5 साल से। किस समय मांगने जाती हूँ? मैं मांगने जाती हूँ सुबह 6 बजे जाती हूँ, 1 बजे 1:30 बजे आती हूँ, 150 हो जाता उसी को। नरेला जाती हूँ, सीमा बॉर्डर जाती हूँ, हर मार्केट जाती हूँ, सुबह 6 बजे जाती हूँ, तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, चाय पानी बना के बच्चा लोग को स्कूल भेज के मैं यहाँ से 6 बजे निकालती हूँ, 6 बजे बच्चा लोग को स्कूल की तैयारी करके। नरेला मार्केट में मांगती हूँ मैं, बाजार में सब्जी मंडी। पानी 7 बजे भरता, बच्चे लोग भर जाते, भर के स्कूल जाते वो लोग। जब नंबर में 6 बजे लगा देते हैं, बच्चा लोग 7 बजे भर देता, तो मैंने सारे इंसान को बता देती हूँ कि मैं काम पे जा रही हूँ, हमारे बच्चों को पानी दे दिए, बस मेरे बच्चों को पानी दे देता। मैं स्कूल में परेशान हुआ था कि यहाँ का बच्चा का नहीं लूंगी बिना पोलोट वाले के, तो हमारी भाई का पोलोट है, इसीलिए मेरे भाई बोले कि देखो हमारी परिवार है ये, हमारे पास रह रहे, अपना परिवार बना के वो अपना मेरे तीनों बच्चा को दाखिल दिया, इतनी समझदारी है। बाजार से 20 रुपये किलो चावल लेते हैं, 20 रुपये किलो आलू, 40 रुपये किलो गोभी, और बाजू में से हार जाना क्या? क्या भाव लेती हूँ? 8-15 रुपये। 15 रुपये राशन कार्ड नहीं बना आपका? नहीं, हमारी कुछ नहीं बना राशन कार्ड, ना पहचान पत्र कुछ नहीं। महंगाई तो आजकल बहुत ही बढ़ गई है, जो चावल दे रहा था 18 रुपये अभी 20 रुपये बना दिया, जो चावल आटा दे रहे थे 14 रुपये अभी 15 रुपये बना दिए। देखो हर चीज की महंगा हो गई और हर चीज की गरीब के लिए परेशान है,
मेहनत करने पड़ता कि जहाँ 20 रुपए में 30 रुपए में 40 रुपए में हो जा रहा था कि बाजार नीम सेम करके चल जा रहा था, तभी उससे ज्यादा ही लगता कि 100 रुपए डेली लगाता, फिर घर में परेशान है, दवा पानी है, तो इस चक्कर में ज्यादा टेंशन होता है कि क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आता, गुस्सा में बोल देते कि मर जाऊं कि जहर खाऊं, फिर चार चार बालक है कि किसकी भरोसा छोड़ के जाऊं। ये तो हमारी समझदारी भी नहीं कि कोई रिश्तेदार नहीं कि हमारी बच्चे को दाखिल करे कि लिए कि यार कोई कुछ करे, तो वो हमारे ऊपर ही जाता है। इस यही बात मैं सबको बताती हूँ। और एक बात सुनो कि जिसकी बच्चे का जिसकी प्लॉट है उनको 800-800 करके मैंने पैसा मिलता, और जिनकी प्लॉट नहीं है उनकी बच्चा को पैसा नहीं देता स्कूल वाला मास्टर सेठ जी।